हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वे टू इंग्लिश लिटरेचर। सो सभी को पता है आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है और जीके का जो पेपर है वो 7 जनवरी को है, सबका कॉमन पेपर। सो इसलिए मैं रिवीजन के लिए जो भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके रिवीजन के लिए इंग्लिश में स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको बहुत तकलीफ़ होती है हिंदी में पढ़ने के लिए। सो आई एम हियर विथ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ राजस्थान जीके कॉमन पेपर। सो अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट लगे तो डू वॉच दिस वीडियो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर सिटिंग इन दिस एग्ज़ाम। लेट सी। सो बिफोर रीडिंग, जब भी हम जीके पढ़ते हैं तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स, या हम हिंदी में कहें तो भौगोलिक फीचर्स है राजस्थान के। जनरल एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, शेप क्या है, बाउंड्री पे, डिस्ट्रिक्ट्स पे, या फिर नेबरिंग स्टेट्स पर क्वेश्चन आ जाता है। तो हम बेसिक फर्स्ट, ये जो वीडियो है मेरा फर्स्ट चैप्टर, अगर आप इसको इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इसकी मैं नेक्स्ट सीरीज़ भी लेकर आऊँगी आपके साथ। तो अगर हम इसे देखें तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट नाम से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि नाम, जो राजस्थान का नाम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान के नाम के पीछे बहुत सारी चीज़ें, राजस्थान नाम कैसे पड़ा, तो फर्स्ट इसके बारे में जो हमें ऋग्वेदा में, हमें कहाँ पता चलता है, ऋग्वेदा में पता चलता है कि इसका नाम जो ब्रह्मावती थी, ब्रह्माव्रत, इसका पूरा जो लिखा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड ब्रह्मावेद इन ऋग्वेदा मरुकांतर। तो नाम क्या है, मरुकांतर। मरु का मतलब क्या होता है, डेजर्ट। कांतर का मतलब जगह। तो रामायण के पीरियड में हमें पता चला कि राजस्थान एक ऐसी जगह जो मरुकांतर जाने जाती थी, तो ये याद रखना है। देन अनदर थिंग इज़ दैट इट इज़ रिटन मैंशन वर्ड राजस्थान। जो वर्ड राजस्थान है वो मिला है हमें सिरोही में, राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे माउंट आबू सिचुएटेड है, सिरोही में एक इंस्क्रिप्शन है बसंतगढ़। उस बसंतगढ़ में राजस्थान के बारे में हमें पता चलता है और वहाँ पे उस वर्ड का नाम है रायस्थाना, दित्या हैज़ बिन यूज। तो ये वर्ड का नाम आपको याद रखना है। नाम क्या था, बसंतगढ़ शिला लेख में। कौन से शिला लेख में, बसंतगढ़ शिला लेख में हमें राजस्थाना के नाम से, राजस्थाना दित्य के नाम से पता चलता है कि राजस्थान एक जगह थी। की पॉइंट आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है की पॉइंट, जैसे कि द बुक नेम नोहत नैन्सी दी रयात खयात। ये जो बुक है इट इज़ द फर्स्ट बुक जिसमें राजस्थान वर्ड फर्स्ट टाइम मेंशन था। तो ये बुक का नाम ज़रूर से याद रखना है, क्योंकि बुक का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बुक का नाम ज़रूर से याद रखना है, क्या है, मुनोत नैन्सी री खयात, ये नाम है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट द वर्ड राजपूताना। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ याद है, जो वर्ड राजपूताना है, फॉर दिस राइन वॉज फर्स्ट यूज बाय जॉर्ज थॉमस। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे जो आपने देखी वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जितनी इम्पॉर्टेंट ये है। देन वर्ड राजस्थान, यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड था, राजपूताना, एंड अब कौन सा वर्ड है, राजस्थान। तो राजस्थान और राजपूताना वर्ड में ध्यान रखना, जब भी राजपूताना आए तो किसने दिया है, जॉर्ज थॉमस ने दिया है, और जब भी राजस्थान वर्ड किसने दिया है, कर्नल जेम्स टॉड ने दिया है। किस में लिखा गया है, द बुक एनल्स एंड एंटीकेट ऑफ राजस्थान। इनको दूसरे नाम से भी जाना, इस बुक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। ये पब्लिश हुई थी अराउंड 1829 AD में। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ड राजस्थान है वो ऐड हुआ था हमारे सेकंड फ्रेज इन यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान ऑन 25 मार्च 1948। तो ये याद रखना है, जब भी राजस्थान का एकीकरण हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था, वो वर्ड राजस्थान हमने ऐड किया। तो ये याद रखना है कि यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान में इट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हमने वर्ड राजस्थान को लिया हमारे 25 मार्च 1948 में। तो यूनिफिकेशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारा जो नाम है वो राजस्थान आएगा। तो ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन कब हुआ था, 25 मार्च 1948 में हुआ था। उस यूनिफिकेशन के बाद
30 मार्च को अगले साल 1949 में ड्यू टू मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट को एक कर दिया है। सारे प्रिंसली स्टेट जैसे कि अजमेर है, जयपुर है, ये जो राजपूताना घर थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको सबको एक कर दिया। और इस वजह से हम इस दिन को, जो 30 मार्च है, उस दिन को हम राजस्थान डे सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को हम राजस्थान दिवस बनाते हैं। देन द नेम राजस्थान फॉर दिस रीजन वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन। अब यहाँ तक तो आपको पता है कि राजस्थान नेम हमने यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान में ऐड कर लिया था ऑन 25 मार्च 1948 में, बट हमने 30 मार्च को हमने प्रिंसली स्टेट को मर्ज कर लिया, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला अभी तक हमें। बट वो दिन कब आया? 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा हमें राजस्थान नेम मिला। और हम राजस्थान जो ये है प्रेजेंट फॉर्म, जो राजस्थान है टोटल, जो प्रेजेंट फॉर्म राजस्थान है, वो कब बनाया जाता है? 1 नवंबर 1956। तो जो टुडे जो एग्जिस्टेंस आपको मिलती है राजस्थान की, जो प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है राजस्थान, वो 1 नवंबर 1956 में हुआ। तो ये डेट याद रखनी, क्योंकि कंटिन्यूटी की वजह से, यहाँ पे 25 मार्च था, यहाँ पे क्या था, 30 मार्च एंड 1 नवंबर एंड 26 को संविधानिक नाम हमें मिल गया राजस्थान। एंड लोकेशन, अब क्या इम्पोर्टेंट है, लोकेशन ऑफ राजस्थान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता है हमारा राजस्थान कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न में है। तो अब हम ग्लोब से देखेंगे अगर हम ग्लोब में देखें तो ग्लोब के अकॉर्डिंग जो हमारा लोकेशन है राजस्थान का, वो 23 डिग्री 3 to 30 डिग्री 12 पॉइंट में नॉर्थ लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, एंड 69 डिग्री 30 78 डिग्री 17 ईस्ट लैटिट्यूड में। तो इसकी वजह से जो एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान का वो कितना है, 7 डिग्री 9 लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, एंड लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई लाइंस, तो वो 8 डिग्री है। तो 7 डिग्री 9 देन 8 डिग्री 47। तो ये लाइंस आपको लर्न करनी है, बिकॉज एक्सपेंशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हमने देखा था कि जो हमारा लेटीट्यूड है वो 7 डिग्री 9 है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड था वो है 8 डिग्री 47। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है, हमें 36 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है जब सूर्य उदय होता है। जब भी सनराइज होता है तो जो ईस्टवर्ड है और जो ईस्टवर्ड है और जो वेस्टवर्ड है, उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कितना, ईस्ट और वेस्ट में जो सूर्य उदय का डिफरेंस है वो 36 मिनट का है। जैसे कि जो ईस्टर्न मोस्ट विलेज है हमारे राजस्थान का, जिसका नाम है सीलावत, एंड द वेस्टर्न मोस्ट विलेज है हमारे राजस्थान का, उसका नाम है कटरा। जो सीलावत है, जो कटरा विलेज है, वो हमारे जैसलमेर में है, और जो सीलावत है वो हमारे धौलपुर में है। तो ये जो विलेज है उनमें हमें 35.8 डिग्री, मतलब 36 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम ये जानेंगे कि हमारे नॉर्थन, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट विलेज कौन से हैं राजस्थान के, कौन कौन से बिल्कुल उस डिग्री पे सिचुएटेड है, क्योंकि वो इन डिग्रीज पर सिचुएटेड है, इसलिए हमें उनके नाम जानने ज़रूरी है, क्योंकि इसके नाम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो उनके नाम जैसे अगर हम देखें तो उनके नाम कैसे हैं, जो नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट हमारा कहाँ आया हुआ है, नॉर्दर्न मोस्ट इज हमारा गंगानगर, कहाँ पे, गंगानगर। तो यहाँ पे कौन सा विलेज सिचुएटेड है, कोना। यहाँ पे कौन सा विलेज है, कोणा विलेज, जो कि किस कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री 12। ठीक है, देन हमारा जो हम वेस्टर्न मोस्ट देखेंगे, ये रहा वेस्टर्न मोस्ट हमारा, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो ये रहा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, कटरा विलेज जैसलमेर, जिसकी डिग्री है 69 डिग्री 30। देन हमारा जो ईस्टर्न है वो ये है धौलपुर, धौलपुर में है हमारा सीलावत, सीलावत विलेज है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो किस गांव में, राजाखेड़ा गांव में, उसकी डिग्री क्या है, 78 डिग्री 17। देन हमारा जो साउदर्न मोस्ट है, जो सबसे नीचे है, ये रहा साउदर्न मोस्ट सबसे नीचे, उस विलेज का जो वो जो है विलेज, उसका है बोरकुंडा, उसका नाम क्या है, बोरकुंडा साउदर्न मोस्ट विलेज, सर्दर्न मोस्ट विलेज है ये,
बोरकुंडा नाम है और 23 डिग्री नॉर्थ। तो आपको याद रखना, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। तो नॉर्थ में हमारा कोणा विलेज है, हमारे वेस्ट में है कटरा विलेज, हमारे साउथ में है बोरकुंडा एंड हमारे ईस्ट में है शीलावत। तो ये विलेज के नाम है जिनसे हम कनेक्ट होते हैं, जो इस डिग्री पे सिचुएटेड है। सो दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो आई हैव मेड फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट राजस्थान के बारे में, कि लोकेशन कैसी है, राजस्थान का नाम कैसे पड़ा, और ये बिल्कुल ब्रीफ वीडियो था। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं कल लेकर आऊँगी, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, जो बहुत मुश्किल से फाइंड करते हैं सोर्स फॉर रीडिंग और दे आर नॉट एबल टू रीड एंड रिवाइज। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़, क्योंकि राजस्थान जीके आपका हो पाए, जितने भी दिन है 15 दिन उनमें आपका राजस्थान जीके फटाफट से हो पाए। देन इसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकम द पार्ट ऑफ वे टू इंग्लिश लिटरेचर। आई विल ऑल्सो ब्रिंग न्यू वीडियोज फॉर माई इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट कम्प्लीटिंग 5000 सब्सक्राइबर। आई विल अनाउंस अ बिग अनाउंसमेंट फॉर माई सब्सक्राइबर। मैं अपने चैनल पर बिग अनाउंसमेंट करूँगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बिकम पार्ट, सो दैट वी कैन ग्रो मोर फैमिली, हम ग्रो कर पाएँ। और जैसे ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करूँगी। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।